अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, वेलकम है आप लोगों को। एंड गाइस, सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और जो जो जिन जिन को इन वीडियोज़ की ज़रूरत है इन सब तक पहुँचाएँ, अपने अपने क्लास फेलोज़ को भी बताएँ। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आईडीज़ के लिंक डाल दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर लें। तो गाइस, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये जैसे जैसे लेक्चर्स आगे जा रहे हैं मुझे खुशी हो रही है। स्टूडेंट्स का खैर अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नहीं है कंसर्न, लोग ज़्यादा नहीं देख रहे, लेकिन मुझे पता है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आवाम को ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने अपना रोल प्ले कर दिया है, ये सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे, मैं इसलिए करता जा रहा हूँ कि फिर से फर्स्ट ईयर की भी बारी है, उनके लिए भी कुछ करना है, तो दैट्स वाई मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स एक सीरीज़ खुद ही देख लेंगे। तो 7वां लेक्चर है और आधे से ज़्यादा चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका हुआ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो गाइस, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने पढ़ना है बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स है। हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम हैलोजन एसिड्स का भी नाम देते हैं। गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है, व्हाट इज मेंट बाय मार्कनी कर्व्स रूल, एक्सप्लेन इन डिटेल विद सूटेबल एग्जांपल्स। गाइस, मैंने इसका जो आंसर लिखा है, मैंने अप टू द स्टैंडर्ड लिखा है, आपने इसी को फॉलो कर लेना है, इसी को तैयार कर लेना है। टेक्स्ट बुक से चाहे आप रहने दें, ना ही आपको किसी की बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिनका दूसरा नाम हैलोजन एसिड्स है। तो जब ड्राई हैलोजन एसिड्स जो होते हैं गैशियस फॉर्म में, इनका रिएक्शन जब हम किसी अल्कीन के साथ करवाते हैं, तो जो अल्कीन्स होते हैं, ये अल्कीन बेसिकली इसके साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेयर इज़ द रिएक्शन। तो ये इनफैक्ट इसकी जो एडिशन होती है अराउंड द डबल बॉन्ड होती, चाहे ये मोर देन 100 कार्बन्स लगे हों, लेकिन आपने ये जो अल्काइल हैलाइड ऐड करना है, सॉरी ये जो हैलोजन एसिड ऐड करना है, वो आपने डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड करना है। मतलब डबल बॉन्ड के एक तरफ जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगी, दूसरी तरफ जो कार्बन है उसके साथ जो है हैलोजन लग जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने सेकंड कार्बन पे हैलोजन लगाया है और फर्स्ट कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन लगाया है। तो ये इनफैक्ट इसके रिवर्स भी हो सकता था, लेकिन इसको एक रूल डील करता है, वो रूल हम आगे चल के पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो गाइज, अब इनफैक्ट अगर हम हैलोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइज हमें इसका ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो लेट्स हैव द रिएक्टिविटी ऑर्डर। यार थोड़ा सा शेडो आ रहा है उसका मेरे रिकॉर्डिंग स्टैंड का, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा कुछ विजिबल है, आप लोगों को उसमें इशू नहीं होगा। अच्छा गाइस, यहाँ पर देखें द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। एच आई की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर एच बी आर, फिर एच आई। अब ये वाला जो ऑर्डर है दैट माइट बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा गाइज, अब हम इस बात की एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल पढ़ने से पहले अल्कीन्स की दो टाइप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है सिमेट्रिकल अल्कीन, दूसरा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो जब हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात करते हैं, तो गाइज दैट इज़ क्वाइट सिंपल। सिमेट्रिकल अल्कीन्स डेफिनेशन ये आपके सामने है, बेटर है ये आप डेफिनेशन भी एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन में कर लें। तो गाइज, सिमेट्रिकल अल्कीन्स ऐसे अल्कीन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के राउंड एग्जैक्टली एक जैसा ग्रुप आता है। जैसे कि इथीन है, डबल बॉन्ड के राउंड राइट साइड पे भी CH2 है, लेफ्ट साइड पे भी CH2 है। तो जब इसका HCl के साथ रिएक्शन होता है तो इथाइल क्लोराइड बन जाता है, कोई इशू नहीं है। गाइज, सिमेट्रिकल के अंदर क्लोरीन इधर लग जाए या हाइड्रोजन इधर लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर सेम बनेगा, चाहे आप बना के भी देख लें। तो ये इथीन के अंदर जब HCl ऐड करते हैं तो वो इथाइल क्लोराइड बन जाता है। अच्छा गाइस, इसका मैकेनिज्म है, पहले मैकेनिज्म इज़ क्वाइट सिंपल, बहुत आसान इसका मैकेनिज्म है। लेट्स हैव द मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका मैकेनिज्म बेसिकली दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एंड गाइस, जो वेरी फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि ये जो अल्कीन्स का डबल बॉन्ड है, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड का पाई चार्ज है वो आपको पता है रिएक्टिव होता है। तो उसकी रिएक्टिविटी की वजह से वो क्या करता है कि यहाँ पर अगर हम HCl की पोलैरिटी देखें, तो जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है। तो गाइस, होता कुछ ऐसे है कि इसका जो पाई चार्ज है वो इस प्रोटॉन को अपने साथ अटैच कर लेता है और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर क्लोरीन पे चला जाता है, ये क्लोराइड आयन बन जाता है, साथ में कार्बो कैटाइन बन जाता है। कार्बो कैटाइन ऐसा आयन होता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दैट इज़ कार्बो कैटाइन। अब गाइस, लेट मी शिफ्ट द पेज, मैं थोड़ा पेज शिफ्ट कर लूँ फिर हम आगे चलते हैं। फिर वी हैव, अच्छा गाइस यहाँ पर देखें,
यहाँ पर फिर क्या होता है, स्टेप वन तो आपका हो गया, अब स्टेप टू जो है, स्टेप टू में देखें, स्टेप टू में क्या होता है कि यही जो क्लोराइड नेगेटिव बना होता है, अब सेकंड स्टेप में ये कार्बोकैटायन की जो पॉजिटिव कार्बन है उसके ऊपर अटैक करके वहाँ अटैच हो जाता है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अच्छा गाइस, इसी तरतीब से आप मैकेनिज्म लिखेंगे, जो थ्योरी है वो आप यहाँ से नोट कर लें, ये भी आप लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी, अब दूसरी बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की। तो गाइस, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं तो वो भी क्वाइट सिंपल है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ऐसे एल्कीन्स होते हैं गाइस जिनके अंदर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप नहीं आते। लाइक आप प्रोपीन की बात कर लें, आप आइसोब्यूटाइलीन की बात कर लें। तो गाइस, हमने पढ़ा था कि जब सिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर एडिशन होती है HCl या HBr की या हैलोजन एसिड्स की, तो उसमें गाइस हमने ये पढ़ा था कि किसी भी तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाए, किसी भी तरफ हैलोजन ऐड हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक जैसे हैं दोनों तरफ से। लेकिन जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की, तो यहाँ फड्डा पड़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, खून खराबा हो जाता है। वो कैसे कि अब जो हाइड्रोजन होती है वो कहाँ लगे डबल बॉन्ड के राउंड और हैलोजन कहाँ लगे, तो ये मिस्ट्री है, ये कैसे सॉल्व होगी, इसको डील करता है एक रूल, दैट इज़ कॉल्ड मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, डिफाइन मार्कोनिकोव्स रूल विद एन एग्जांपल। उसने एग्जांपल पूछी है या नहीं पूछी, गाइस आप एग्जांपल ज़रूर देंगे। अब देखें, दिस रूल एक्सप्लेन्स द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो गाइस, इससे तो साफ पता चलता है कि ये जो रूल है ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स जो हैं ये उनके साथ डील नहीं करता, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ डील करता है। तो इसमें से एमसीक्यू भी बनता होता है कि मार्कोनिकोव्स रूल कैन बी अप्लाइड टू, उसमें बच्चों जो अनसिमेट्रिकल होगा वो इसका सही आंसर होगा, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है जो बुक में नहीं गिवन है लेकिन जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में से आता है तो आप इसको कॉन्सेप्ट होगा तो कर पाएंगे। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड या सॉरी जिसमें डबल बॉन्ड एक साइड पे आ जाएगा और उसके दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप नहीं होंगे उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। तो गाइस, ये देखिए रूल की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है, ये मैंने लिख दिया कि द रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो ये वाली बात एमसीक्यू है, इथीन के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ब्यूटीन टू ब्यूटीन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जबकि वन ब्यूटीन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अब ये आपने खुद देखना है इनके स्ट्रक्चर बना के कि क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गाइज, ये इसकी स्टेटमेंट देख लें, मार्कोनिकोव्स रूल की स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। इसकी स्टेटमेंट है, व्हेन अ पोलर रिएजेंट लाइक हैलोजन एसिड इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट अटैक्स ऑन, ये अटैक्स है, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से, दैट कार्बन विद फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें कहता है कि जब कोई पोलर रिएजेंट लाइक HCl HBr अटैक करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, तो ऐसे में जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर रिएजेंट यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन वहाँ पर अटैच होते हैं जाके जहाँ हाइड्रोजन पहले ही कम है। तो ये इस रूल की स्टेटमेंट, तो इस रूल की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम इसकी पहली एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस, वैसे तो ये सेकंड एग्जांपल है क्वेश्चन की, लेकिन इस जो मार्कोनिकोव्स रूल की ये पहली एग्जांपल है, बुक में दो एग्जांपल्स दी गई हैं। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपको शॉर्ट पूछा गया तो आप इतना लिखेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग लिख रहे हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसमें फिर मेंशन नहीं करेंगे। तो गाइस, कहता है व्हेन HBr अटैक्स ऑन प्रोपीन द मेजर प्रोडक्ट इज टू ब्रोमोब्यूटेन, वाई टू ब्रोमोब्यूटेन बनती है, वन ब्रोमोब्यूटेन क्यों नहीं बनती। तो गाइस, अगर वन ब्रोमोब्यूटेन बनती है तो वो तो इस रूल के अगेंस्ट बात चली जाती है। अब यहाँ पर देख लें, ये थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया इसका, ये हिंट भी आपने मेंशन नहीं करना, ना शॉर्ट क्वेश्चन में ना लॉन्ग क्वेश्चन में। डिफाइन मार्कोनिकोव्स रूल एंड देन एक्सप्लेन द एग्जांपल, कहते हैं कि इसके आंसर में जब आप शॉर्ट के तौर पे इसका आंसर कर रहे होंगे तो पहले आपने मार्कोनिकोव्स रूल डिफाइन करना है, फिर आपने एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है ताकि पता चल जाए कि टू ब्रोमोब्यूटेन बनता है, वन ब्रोमोब्यूटेन इसलिए नहीं बनता कि वो रूल के अगेंस्ट चला जाता है। तो यहाँ पर देखने, रूल आपने डिफाइन कर दिया, अब देखें ये प्रोपीन है, अब हम प्रोपीन का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। लेट मी राइट डाउन हेयर, प्रोपीन का गाइस हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं HBr के साथ। तो ये देखें, जब HBr के साथ रिएक्शन होता है तो ये एक प्रोडक्ट बनती है टू ब्रोमोप्रोपेन, दूसरी बनती है वन ब्रोमोप्रोपेन। अगर टू ब्रोमोप्रोपेन की बात करें तो ब्रोमीन नेगेटिव है, ये नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके अटैच हुआ है जहाँ पर हाइड्रोजन कम थी, तो ये तो इस रूल के मुताबिक है। तो फिर हम कहते हैं कि ये इस रूल के मुताबिक है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, जो इस रूल के मुताबिक नहीं है वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा।
तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो लेट्स चेक, ये मार्कोनी कर्व्स प्रोडक्ट होगी और ये एक्चुअली बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं एंटी मार्कोनी कर्व्स प्रोडक्ट की, तो गाइज वो भी देखें। यहाँ पर हेयर कम्स द एंटी मार्कोनी कर्व्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ऐसा है कि ये CH2 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 Br, इसमें ब्रोमीन ऐसी जगह पे लगी है जहाँ पर हाइड्रोजन पहले ही ज़्यादा है अराउंड द डबल बॉन्ड। ये बात जहन में रखनी है, अराउंड द डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं देखना कि इस CH3 के ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हाइड्रोजन इधर लगा दो, ऐसा नहीं करना। हमने सिर्फ डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन करनी होती है। तो गाइस एंटी मार्कोनी कर्व्स प्रोडक्ट है, मतलब ये इस रूल के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट एक्चुअली नहीं बनती। इसी में देख लें, एग्जांपल 2 आ जाती है इसकी। मैं वैसे यहाँ हेडिंग देना भूल गया हूँ, आप यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा, दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल 2 जो है वो आइसोब्यूटाइलिन की है। एक तो पॉइंटर जो है ना वो भी बेचारे घबरा गए हुए हैं, उनको क्या पता था मैं इनको बेचारों को इतना यूज़ करने वाला हूँ, इनसे मैं इतना लिखूँगा आइसोब्यूटाइलिन। गाइज यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, अगर आप लॉन्ग लिख रहे हैं तो फिर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसमें मेंशन नहीं करेंगे। इसकी स्टेटमेंट बनती है, व्हेन HBr अटैक्स ऑन आइसोब्यूटाइलिन द मेजर प्रोडक्ट इज 2-bromo-2-methylpropane है। ये करेक्ट कर ले, मैं लिखते हुए गलत लिख गया था तो मैंने करेक्शन कर दी। इसका पूरा नाम होगा 2-bromo-2-methylpropane, ये बनेगा। तो कहता है 2-bromo-2-methylpropane बनता है, 1-bromo क्यों नहीं बनता? तो गाइज ये भी इस रूल की वजह से, देखें यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। अब लेट मी शो यू, ये पूरी एग्जांपल आपके सामने आ गई। तो गाइज यहाँ पर देखें, इस जगह पे ये डबल बॉन्ड है, जो एडिशन होनी है इन दो कार्बन्स के ऊपर होनी है। तो यहाँ पर देखें, अगर इस रूल की बात करें तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे कम है तो नेगेटिव ग्रुप इस कार्बन पे लगेगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये 2-bromo-2-methylpropane बन गया। गाइज ये मार्कोनी कर्व्स प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली बनेगी, लेकिन जब इसका रिएक्शन होता है HBr के साथ, मैंने HBr साथ लिखा ही नहीं, वो मैं फिर से भूल गया। चले कोई बात नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। HBr लिख देता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पर इसमें क्या किया मैंने कि इसके गिर्द हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ लगा दी और ब्रोमीन इधर लगा दी, तो ये 1-bromo-2-methylpropane बन गया, जो कि मार्कोनी कर्व्स रूल के अगेंस्ट है, तो ये प्रोडक्ट बेसिकली नहीं बनती। तो गाइज आज हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। पहले इसका मतलब ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका हुआ है, तो फिर जो है आपका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होता कि इतना लंबा लेक्चर हम नहीं पढ़ सकते, इतना तो आपका स्टेमिना अल्लाह के हुक्म से। चले खैर कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 2-2 घंटे की भी क्लास पढ़नी पड़ेगी, लग पता जाएगा। एनीवे यूनिवर्सिटी को छोड़ें, आप एमडी कैट में जाएंगे तो 2-2 घंटे की क्लास पढ़ना पड़ेगी, वहाँ आप लोगों ने घबरा जाना है। चलें गाइस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा नहीं करते, हम ये वीडियो क्लोज़ करते हैं। आप बस ये है जो फेवरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और उसके साथ साथ ही गाइस इसको शेयर भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी मुझे फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।